व्यक्तिगत आचार व्यवहार विचार बोलने की भाषा या आदमी का अपना हो, भाषा की मर्यादा हर जगह आदमी को रखनी चाहिए। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। समता परिषद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी रालोसपा के तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। दरअसल बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा काफ़ी तेज है और ऐसे में सुधाकर सिंह मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में जो भाषाई राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो उपेंद्र कुशवाहा कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयान को। अब देखिए आज जीत कर रहे, नया साल भी है तो इसमें भी अब हम थे उधर ही थे और हमने देखा कि ठीक है पार्टी कोई भी हो, लेकिन दल कोई हो पार्टी कोई हो, लेकिन व्यक्तिगत आचार व्यवहार विचार बोलने की भाषा या आदमी का अपना होता है। और इस दृष्टि से भले राजनीति में कोई हमारा विरोधी भी हो, लेकिन भाषा की मर्यादा हर जगह आदमी को रखनी चाहिए। और इस क्रम में आप लोग तो जानते हैं, बिहार भर के लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक जीवन जो है इसका लगभग पूरा हिस्सा लालू यादव जी के विरोध में चला। सब लोगों को मानते शुरुआती दौर से समता पार्टी का तो उसी रूप में चला, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के आधार पर हम जरूर उनके आलोचक थे हैं। गठबंधन अभी है, उस जो सीमा है उस सीमा में बात करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी उपेंद्र कुशवाहा ने लालू जी को कभी व्यक्तिगत रूप से कुछ बात ऐसी कोई टिप्पणी की हो कभी हमने नहीं। राजनीतिक रूप से विरोध में रहना अलग है। अब उस दौर में भी जब लालू जी की सरकार पहली बार बनी थी, हम लोग को याद है कि कुछ लोग कहते थे ललुआ मुख्यमंत्री बनी है। बाद में हम लोग थोड़े दिन के बाद विरोध में चले गए, लेकिन किसी ने ललुआ कहा हो और हमने उसका समर्थन किया हो या कभी हो ही नहीं था। गांधी में विरोध अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है। अभी भी आरएलएसपी का जो मर्जर हुआ तो याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद एक घटना घटी, जिस घटना में नीतीश जी के बारे में क्या टिप्पणी की गई। हम लोग नीतीश जी से अलग थे, लेकिन नीतीश कुमार जो चार बार पांच बार छह बार बिहार के मुख्यमंत्री रह गए, इतने सीनियर लीडर, और उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से इस तरह से कुछ टिप्पणी करे, उस वक्त की हमने आपत्ति दर्ज कराई सार्वजनिक रूप से। और इस बार चाहे हमारे घर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई उस तरह के सम्मानित आदमी, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो पार्टी का कम देश का राज्य का ज्यादा होता है, राज्य का ज्यादा होता है। हम लोग आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है राजनीतिक रूप से, लेकिन उनको कोई व्यक्तिगत रूप से गाली दे इसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब नीतीश जी के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की गई, जो बात कही गई, कैसे उसको आखिर बर्दाश्त किया जा सकता है? उसको बर्दाश्त करना संभव नहीं था, इसलिए हमने अपनी कुछ राय दी। और राय देने के बाद जो आधिकारिक बयान आया उस पार्टी की ओर से, ये तो और ज्यादा खतरनाक और दुख पहुंचाने वाली बात। कहा गया कि व्यक्तिगत तो उनकी राय है, पार्टी इस पर संज्ञान नहीं लेगी। अरे भैया, आलोचना राजनीतिक रूप से गठबंधन में ही रहकर करनी है कि नहीं करनी है, इस पर बात हो सकती है, या पॉलिसी की कमी है। गठबंधन की एक पार्टी दूसरी पार्टी की आलोचना राजनीतिक रूप से करे कि ना करे, यह विषय विचार का हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे या भद्र भाषा का प्रयोग करे, यह भी कोई विचार का विषय? और इसके बारे में कोई कहे या फिर भी दल कहे कि संज्ञान नहीं लेते, ये तो गलत है। इसलिए आज तो हम जब एयरपोर्ट पर उतरे, मीडिया के लोगों ने कहा कि आप इस तरह से बोले और उसके बाद इस तरह से जवाब आया, तो आपको इतना सदमा क्यों पहुंचा?
बयान से, जबकि पार्टी कह रही कि व्यक्तिगत उनका है, हमने कहा कि भाई हो सकता है सदमा पहुंचने का। एक तो जो राजनीति में हम लोगों ने सीखा है कि राजनीतिक आलोचना भले हो व्यक्तिगत, किसी तरह से टीका टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के साथ न किया जाए, तो यह जो सीखे हैं उसका प्रभाव। नहीं तो दूसरा यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का डीएनए और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए नीतीश कुमार जी को गाली दे उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा बुरा लगता है, यह भी हो सकता है। हमने यह कहा, कुल मिला जुला कर मेरे कहने का कि व्यक्तिगत आचार व्यवहार में आदमी को संयमित होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।